भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस में मैं डॉक्टर शक्तिवान सिंह आज क्रिया योग में त्राटक विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। त्राटक शब्द का जो अभिप्राय है वो दृष्टि को स्थिर करना है। इसमें किसी वस्तु, किसी बिंदु या किसी ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है जिसमें हमारी आँखों का, हमारे हमारे क्या कहते हैं मन का एक केंद्र बिंदु बनाने का एक नया विषय है। त्राटक शब्द जो है, हम किसी अपने ईष्ट पर ध्यान केंद्रित करें या देखें, या दीपक पर अपना ध्यान केंद्रित करें, या चंद्रमा को देख करके अपना ध्यान केंद्रित करें, इस क्रिया से हमारे मन, हमारा विचार स्थिर होता है और हमें एक अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति होती है। त्राटक का जो विधान है उसमें किसी भी आसन पर बैठेंगे, सुखासन, पद्मासन या वज्रासन, जिस पर आप काफी देर तक बैठ सकें और अपने से या अपनी आंख से करीब 1.5 फीट 2.5 फीट की दूरी पर एक किसी चित्र को स्थिर करें या एक सफेद कागज पर एक पॉइंट बनाएं, लाल रंग के को, जैसे जो महिलाएं बिंदी लगाती हैं, अगर आप उसको लगा दें, वहां पर कंसंट्रेट करें और लगाने के बाद पद्मासन पर बैठ जाएं। इसके बाद उसे अपने ठीक सामने उसको स्थिर करें और स्थिर करने के बाद उसको देखें। जब आप उसको त्राटक करना प्रारंभ करेंगे तो आपकी आंखों में जलन होगी। अगर ये जलन आपको काफ़ी जलन कर रही है तो हमें आंख को बंद कर लेनी चाहिए और तब तक आंख को बंद करके उसे शांत करना चाहिए जैसे मन को शांत करते हैं, और फिर इस क्रिया को फिर हम, क्योंकि वो आंख बार बार देख रही है तो आंख थकान महसूस करती है और जलन महसूस करेगी, इसलिए हम फिर कुछ समय के लिए आंख को बंद करके अपने मन को शांत करके जो बाहर हमने देखा है उसे अंदर की ओर देखने की कोशिश करें और फिर हम इस क्रिया को करें। फिर हम उसको देखें और फिर आंख को बंद करें। ऐसा करते हुए अगर हम कम से कम 6 से 10 बार अगर करते हैं तो एक स्थिर मन, एकाग्र और आँखों का में एक अजीब सी ज्योति आएगी और हम ये देखेंगे कि इस त्राटक विधि से हमारी फिगर, हमारा मतलब चेहरे का जो भाव है वो एक कांतिमय होगा। ऐसा भी लोगों का मत है कि इस क्रिया से हम भविष्य देख सकते हैं। ऐसे बहुत से ऋषि मुनियों ने त्राटक करके किसी को जला दिया, जैसे त्राटक करने से आपने अगर शिव तांडव में शिव की और चंद्रमा के कामदेव के बारे में सुना हो, एक कथानक है, उसमें आंख खोल करके उन्होंने जला दिया था, यानी कि आपकी आंख में इतनी ताकत आ जाएगी किसी चीज़ को पूरे भाव से अगर आप उसको देख लेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि वो जलने लगेगा। ये लगातार प्रयास, कई वर्षों तक प्रयास करने से अपने आंख पर वो ताकत प्राप्त हो जाती है जिसे हम किसी को देख लें पॉजिटिव एनर्जी के साथ, किसी को देख लें निगेटिव एनर्जी के साथ, तो उसका वो नुकसान और भाव प्रकट होता है।
जैसे महाभारत में भी आपने देखा है कि संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी। उस दिव्य दृष्टि का आपको लगा कि दिव्य दृष्टि उन्होंने वेदव्यास जी ने ऐसे ही दे दी। उसने उस पात्र को देखा और उसके बाद उन्होंने त्रोटक विधि से उनकी आंख को देखा और अपनी एक कांति को उसमें ढाल दिया। इस तरह ये त्राटक जो विधि है, इसको अगर हम करें तो हमारी आंख मजबूत होगी, देखने की शक्ति, समझने की शक्ति, और इस त्राटक से, इसको दीपक त्राटक भी करते हैं, सूर्य त्राटक भी करते हैं, और कई प्रकार से इस त्राटक को किया जाता है। इसमें थोड़ा सा आंखों में दर्द भी आ सकता है, तो त्रिफला का चूर्ण बनाएं और उस त्रिफला को पानी में डबा डाल करके आँख को धुलें, ठंडे पानी से धुलें और अच्छी नींद लें, घी का सेवन करें। आँखों में जो है गंगा जल या आप गुलाब जल डालें और इसका अभ्यास करते रहें, तो आप ये देखेंगे कि आप में एक अजीब असीम शक्ति प्रवाहित होगी जो आपके भविष्य को योग साधना के माध्यम से त्राटक क्रिया का प्रादुर्भाव होगा। धन्यवाद।